आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तीसरी क्लासेज हम करने जा रहे हैं। उस क्लासेज में हम क्या सीखेंगे, कोवेरियंस के बारे में सीखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में। ये दो टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पे हम पोर्टफोलियो बनाने में या रिस्क को मिनिमाइज करने में आपको बेनिफिट देता है। तो हम दो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्लास थ्री। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास थ्री है। दो टॉपिक पे स्टडी करेंगे हम, कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये कोवेरियंस क्या होता है, दो सिक्योरिटी की मूवमेंट को बताता है, को मूवमेंट ऑफ टू सिक्योरिटीज बताता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कोवेरियंस एक्स वाई रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कोवेरियंस एक्स वाई। दो सिक्योरिटी एक साथ कैसे मूव करता है यह बतलाता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, हम व्हाट इज द कोवेरियंस। कोवेरियंस ऑफ टू सिक्योरिटीज, रिप्रेजेंट्स को मूवमेंट ऑफ टू सिक्योरिटीज। दो सिक्योरिटी का कैसे मूवमेंट होता है ये बता रहे, टू सिक्योरिटीज। फिर दूसरा बताता है को मूवमेंट ऑफ टू सिक्योरिटीज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय COVXY। अब आपको देखना है तीसरा क्या होता है, इफ कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है कोवेरियंस एक्स वाई दो सिक्योरिटीज नेगेटिव है, यह नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अगर अपवर्ड साइड में मूव कर रहा है तो वाई डाउनवर्ड साइड में मूव कर रहा है। किस रेशियो मूव कर रहा है ये तो नहीं बताता, लेकिन ये अपवर्ड साइड में और डाउनवर्ड साइड में मूव करेगा बताएगा। फिर तीसरा क्या होता है, और अगर x डाउनवर्ड साइड में मूव कर रहा है तो y क्या होगा, अपवर्ड साइड में मूव करेगा। ये जनरली इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूट टाइप ऑफ गुड्स में क्या होता है, ये कोवेरियंस बताता है। सब्स्टिट्यूट टाइप ऑफ गुड्स जिसको सब्स्टिट्यूट है वो उस टाइप के गुड्स को ये बताता है। जैसे कॉफी की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया तो लोग टी पे शिफ्ट हो जाएगा, टी की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा कॉफी में शिफ्ट कर जाएगा, इस टाइप की गुड्स को होता है। अब आपका क्या हो जाता है यहां पे फोर्थ में, इफ को वेरियंस ऑफ
एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कोवेरियंस एक्स और वाई इक्वल टू प्लस में आ जाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, टू सिक्योरिटीज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, टू सिक्योरिटीज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, यहां पे मूव्स अपोजिट डायरेक्शन होगा, मूव्स अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगा, यहां पे क्या होगा मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, यहां पे क्या होगा मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज एक्स अगर इंक्रीज किया तो वाई भी इंक्रीज करेगा, और एक्स यदि डिक्रीज किया तो वाई भी डिक्रीज करेगा, ये बदलाव था। दो सिक्योरिटी जैसे देखिएगा, अगर स्टील की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो स्टील की प्राइसेस इंक्रीज करेगा तो उस पर डिपेंडेंट जितनी भी गुड्स होगा, उस पर डिपेंडेंट जितनी भी गुड्स होगा वो सबके प्राइसेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कार की प्राइसेस इंक्रीज कर जाएगा, और भी जितने भी डिपेंडेंट होगा सब पे डिपेंड इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज अ कोवेरियंस बिटवीन टू सिक्योरिटीज। अब कोवेरियंस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हाउ विल यू कैलकुलेट द कोवेरियंस, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस एक्स वाई को मैंने लिखा, कोवेरियंस एक्स वाई का, तो कोवेरियंस की एक्स वाई की फॉर्मूला जो होता है, वन अपॉन एन समेशन डेविएशन इन एक्स सिक्योरिटीज डेविएशन इन वाई सिक्योरिटीज, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट की जाती है। करें मतलब यह है कि सपोज करो कि एक सिक्योरिटी हमारे पास एक्स आ गई, एक सिक्योरिटी हमारे पास वाई आ गया, अब इसकी कोवेरियंस मुझे कैलकुलेट करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, y माइनस y बार कैलकुलेट करेंगे, फिर ये दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस x बार कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y माइनस y बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा सो आंसर होगा। जैसे सपोज कीजिए आप यहां पे ये 5 है, यहां पे ये 7 है, और यहां ये आपका 3 है, अब आप या 3 हो गया, अब यहां पे ये आपका 9 है, यहां पे आपके पास ये सपोज कीजिए 14 हो गया, और ये सपोज कर लीजिए 6 हो गया, तो यहां इनकी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये 15 होगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका यह 14, सपोज कीजिए ये आपका 10, मान लीजिए ये 7 है, ये 7 मान लो ताकि फ्रैक्शन नहीं आए, ये 13 हो गया, अब x बार कितना होगा, मीन ऑफ दिस कितना होगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट इक्वल टू 5, y बार कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप चलिए यहां पे अब मैंने x बार किया 5 माइनस 5 दैट इक्वल टू 0, 7 माइनस 5 दैट इक्वल टू 2, 3 माइनस 5 दैट इक्वल टू -2,
सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा जीरो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन हमेशा जीरो, इसका सम करेंगे तो जीरो आएगा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन जीरो होता है। वाई के केस में क्या करेंगे, यहां पे 9 - 10 दैट इक्वल टू -1, 14 - 10 दैट इक्वल टू 4, 7 - 10 दैट इक्वल टू -3 दैट इज अ जीरो, सम ऑफ डेविएशन तो हमेशा जीरो होता है। अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, यहां पे 0 - 1 ये 0 हो जाएगा, 2 - 4 ये 6 हो जाएगा, -2 - 3 ये 6 हो जाएगा, ये आपका 12 आ गया 12। अब यहां पे n इक्वल टू कितनी है, वो n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3 थ्री ऑब्जर्वेशन है, तो अगर कोवेरियंस अगर मुझे निकालनी है, कोवेरियंस मुझे निकालनी है तो 1/3 × 12 दैट इक्वल टू 4। अब 4 ये पॉजिटिव आ गया, 4 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 4 पॉजिटिव का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई सेम डायरेक्शन में मूव करता है, सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई सेम डायरेक्शन में मूव करता है, यह आपको बताता है, क्लियर है, तो दैट इज अ कोवेरियंस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कोवेरियंस के बाद, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, हम इसके बारे में लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स वाई से, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर एक्स वाई, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर एक्स वाई। अब आर एक्स वाई क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, -1 से लेकर आर एक्स वाई इसकी वैल्यू +1 के बीच में होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है इसकी वैल्यू, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है इसको देखिए, आर एक्स वाई इक्वल टू अगर सपोज कीजिए -1 है तो इसका मतलब होता है परफेक्टली नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव है, परफेक्टली नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज परफेक्टली नेगेटिव का मतलब क्या होता है, परफेक्टली नेगेटिव का मतलब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करो, परफेक्टली नेगेटिव का मतलब होता है इफ एक्स मूव्स अपवर्ड साइड बाय 5 units देन वाई मूव्स डाउनवर्ड साइड बाय सेम यूनिट by 5 units downwards है, उल्टा मूव करता है सेम रेशियो में मूव करता है, उल्टा मूव करता है सेम रेशियो में मूव करता है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोवेरियंस में क्या हो, हमें डायरेक्शन नहीं बताया जाता था, कोवेरियंस में डायरेक्शन नहीं बताया जाता, हमें ये बताया जाता मूव करेगा उल्टा मूव, यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, लेकिन यहां पे यूनिट बताता है किस रेशियो में मूव करे, ये आपका मोस्ट डिफरेंस है, यहां पे आपको यूनिट बताया जाएगा किस रेशियो में मूव करेगा उसकी यूनिट बताएगा। ठीक है, अब चलिए अगर सपोज कीजिए यहां पे, सपोज कीजिए आर एक्स वाई आपका +1 है, इसका मतलब क्या हुआ, परफेक्टली नेगेटिव नहीं, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका मतलब क्या होगा हम समझेंगे, देन
एक्स अपवर्ड साइड में मूव करने जा रहा है बाय 5 यूनिट्स, तो वाई भी क्या करेगा, अपवर्ड साइड में मूव करेगा बाय 5 यूनिट, सेम रेशियो में मूव करेगा, ये अपवर्ड साइड में मूव करेगा, यह अपवर्ड साइड में मूव करेगा, ये आपको भी अपवर्ड साइड में, दोनों सेम रेशियो में मूव करेगा, अपवर्ड साइड अपवर्ड साइड, अगर डिक्रीज करेगा तो दोनों डाउनवर्ड साइड में मूव करेगा, डिक्रीज करेगा तो दोनों की साइड में मूव करेगा, डाउनवर्ड साइड में मूव करेगा, इंक्रीज करेगा तो दोनों अपवर्ड साइड में मूव करेगा, डिक्रीज करेगा, जैसे यहां पे एक्स अगर डिक्रीज किया बाय 5 यूनिट्स तो वाई भी डिक्रीज करेगा कितने से, बाय 5 यूनिट्स, ये दोनों पॉसिबल है, दोनों या तो इंक्रीज करेगा, दोनों या तो डिक्रीज करेगा, ये पॉसिबिलिटी है यहां पे, दोनों या तो इंक्रीज, तो दिस इज द परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आपके पास, हमारे पास ये होता है आर एक्स वाई जीरो, नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, आर एक्स वाई 0.5 पॉजिटिव कोरिलेशन, आर एक्स वाई -0.5 नेगेटिव कोरिलेशन, जस्ट उल्टा मूव करने का। अब इसकी आपको कैसे, आपकी नो कोरिलेशन में क्या होता है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, अब देखिए इसकी आपको यहां पे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन यदि है, अगर दो सिक्योरिटी एक एक्स है एक वाई है तो इसका मतलब ऐसे डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो यहां पे अगर मान लीजिए एक्स मूव किया तो इसका मतलब ये भी होता है कि एक्स अगर डाउनवर्ड साइड में जाएगा तो वाई अपवर्ड साइड में जाएगा 5 यूनिट से, और 5 यूनिट से नेगेटिव वाले केस में, नेगेटिव वाले केस में उल्टा हो जाएगा। तो इसकी फिगर कैसे बनता है, आपको नेगेटिव वाले को केस में कैसे करेंगे, हमारी ऐसे फिगर बनता है नेगेटिव वाले केस में, एक्स और वाई सिक्योरिटीज के केस में नेगेटिव में ऐसे बनता है, ठीक है। तो दिस अ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। अब क्वेश्चन है कि सर इसको पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, तो इसको पढ़ने से पोर्टफोलियो बनाने में काम आता है, पोर्टफोलियो बनाने में काम आता है, कैसे पोर्टफोलियो बनाने में काम आता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको आप समझिए। सपोज कीजिए आर एक्स वाई आपका -1, दिस इज द परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, सपोज कीजिए परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, ये तो है। अब यहां पे मैंने कहा एक्स सिक्योरिटी एक है, दूसरी सिक्योरिटी हम मान लेते हैं आपके पास वाई सिक्योरिटी है, एक्स और वाई सिक्योरिटी दो सिक्योरिटी, यहां पे इनका एवरेज रिटर्न हम मान लेते हैं, हम इन निकालते हैं एवरेज रिटर्न निकालते हैं, यहां पे एवरेज रिटर्न मान लीजिए, सपोज कीजिए गिवन रिटर्न आपके पास दोनों से कितना है, गिवन रिटर्न यहां पे मान लो 45 है, यहां सपोज कीजिए 45 है और यहां सपोज कीजिए 65 है, तो इनकी टोटल एवरेज रिटर्न कितना आएगा, 45 प्लस 65, 45 को हम प्लस करेंगे, 65 को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 110.55 हो जाएगा। सपोज कीजिए आपको x इंक्रीज बाय 5 यूनिट, x ने इंक्रीज किया 5 यूनिट से तो y डिक्रीज करेगा बाई
5 यूनिट से। x इंक्रीज किया तो y डिक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, ये मैंने आपको पता किया। ये दो आपकी सिक्योरिटीज है तो ऐसे होगा। तो भाई यहाँ पे 5 से डिक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा 40, यहाँ 5 से इंक्रीज करेगा ये x, सॉरी यहां से 5 से तो ये आपको हो जाएगा 60। अब देखिए ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 5 डिक्रीज करके 65 है तो 60 हो जाएगा। तो 50 प्लस 60 दैट इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे 55 होगा, 55 होगा। अब एक और देखिए, यहां पे सपोज कीजिए कि मुझे x ने डिक्रीज किया, x डिक्रीज बाई 5 यूनिट, 5 यूनिट से x डिक्रीज कर गया तो y इंक्रीज बाई 5 यूनिट। एज पर नेचर ऑफ द परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन की नेचर के बेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं, x डिक्रीज करेगा तो y इंक्रीज करेगा। तो x डिक्रीज 5 यूनिट से करेगा तो 45 से 5 डिक्रीज किया तो ये हो गया 40। आप 65 से 5 इंक्रीज किया तो इसमें रिटर्न आ गया 70। तो 40 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 55, ये 55 हो। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि एवरेज रिटर्न आपके पास जो है वो हमेशा सेम है, एवरेज रिटर्न हमेशा है आपका सेम आ रहा है, एवरेज रिटर्न हमेशा आपका क्या है सेम है। तो एवरेज रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक सिक्योरिटी का वैल्यू बढ़ गया दूसरी सिक्योरिटी का कट जाएगा। तो दैट इज द परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर रिटर्न में कोई डेविएशन नहीं है तो इसका मतलब रिस्क जीरो है, रिटर्न में कोई डेविएशन नहीं है तो रिस्क क्या है, जीरो है। मैंने यही तो बताई है पहले कि अगर रिटर्न में डेविएशन है तो रिस्क है, और रिटर्न में डेविएशन नहीं है तो रिस्क नहीं है। तो यहां पे रिटर्न में डेविएशन नहीं है तो रिस्क नहीं है, क्लियर है ना, रिटर्न में डेविएशन नहीं है तो रिस्क नहीं है, रिस्क खत्म हो गया, क्लियर है। तो एवरी रिटर्न सेम, एवरी टर्न यहां पे क्या है, यहां पे एवरी टर्न आपका सेम है इसीलिए रिस्क खत्म हो गया, ठीक है। एवरी टर्न हमारे पास सेम है तो रिस्क खत्म हो गया, एवरी टर्न सेम नो रिस्क, हमारे पास रिस्क खत्म हो गया, एवरी टर्न सेम है रिस्क खत्म हो गया, ठीक है। अब मान लो कि हमें देखिएगा, अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि RxY इक्वल टू सपोज कीजिए +1 है, तो इट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब अगर x सिक्योरिटी इंक्रीज करता है तो y भी इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये होता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब कि दोनों सिक्योरिटी एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, x इंक्रीज या डिक्रीज किया, y इंक्रीज डिक्रीज किया, क्लियर है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। अब आप देख पॉजिटिव कोरिलेशन, अब सपोज कीजिए हमारे पास एक सिक्योरिटी x है, दूसरी सिक्योरिटी हमारे पास y है, यहां हम देखना चाहते हैं एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न, ठीक। अब यहां पे एवरेज रिटर्न हो गया, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन रिटर्न हमारे पास है ये है 45, ये है 65,
45 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 55। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास x इंक्रीज किया बाय 5 यूनिट्स, तो परफेक्टली पॉजिटिव है, तो y भी इंक्रीज करेगा बाय 5 यूनिट्स, तो ये 50 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है भाई, यहां पे 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू, ये रिटर्न आपका 65 हो गया। दूसरी केसेज ये है कि x आपको डिक्रीज करेगा बाई 5 यूनिट, तो y भी आपका डिक्रीज करेगा 5 यूनिट से, x डिक्रीज किया y भी डिक्रीज करेगा 5 यूनिट से, तो यहां पे ओरिजिनल वैल्यू से इससे आपको इंक्रीज और डिक्रीज निकालनी है, तो 45 से 5 डिक्रीज करेगा तो ये कितने हो जाएगा 40, 65 से 5 डिक्रीज करेगा तो 60, 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 50, या 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 70, यहां पे ये 60 हो जाएगा तो यहां पे 50 हो जाएगा। तो देखिएगा फ्लक्चुएशन के बाद यहां पे आपका डिफरेंसेस है, डेविएशन है, डेविएशन यहां पे आपकी डेविएशन आ रही है, डेविएशन भाई कितने यूनिट से, भाई 10 यूनिट से, 10 यूनिट, 10 से डेविएशन हो रही है, तो आपके पास क्या हो रही है, रिस्क है, जिसमें डेविएशन होता है उसमें क्या होता है, रिस्क होता है, जिसमें डेविएशन होता है उसमें क्या होता है, रिस्क होता है। तो हम समझेंगे कि भाई जिसमें डेविएशन है उसमें रिस्क है, जिसमें डेविएशन है उसमें रिस्क है, जिसमें डेविएशन नहीं है उसमें रिस्क नहीं है, जिसमें डेविएशन है उसमें रिस्क है, जिसमें डेविएशन नहीं है उसमें रिस्क नहीं है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर मान लिया जाए आपके पास पैसा है और आप कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको दो ऐसे सिक्योरिटी को सेलेक्ट करना चाहिए, भगवान करेगी वो परफेक्टली नेगेटिव हो, परफेक्टली नेगेटिव नहीं होता है तो सबसे लोअर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाले को सिलेक्शन करना चाहिए, सबसे लोअर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज करो कि आप यू वांट्स टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन टू सिक्योरिटीज आउट ऑफ थ्री सिक्योरिटीज ए बी सी, ए बी सी आप मानो कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप तीन सिक्योरिटी के बदले में, हम कितने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा डिसीजन कैसे होगा, डिसीजन कैसे होगा, हम डिसीजन कैसे लेंगे, पोर्टफोलियो अच्छे बनाने के लिए कैसे डिसीजन लिया जा सकता है। सबसे पहले फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए ऑफ ईच पेयर, ऑफ ईच पेयर हर एक पेयर का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए, ऑफ ईच पेयर हर एक पेयर का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालिए, दैट इज आर ए बी,
आर ए सी आर बी सी, मान लो इसकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका 7:9 है, सपोज करो इसकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -0.25 है, सपोज करो इनकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -0.5 है। अब बताइए सबसे फर्स्ट रैंक किसका होगा, सबसे फर्स्ट रैंक सर सबसे कम कौन सा है, तो ये वाला है, तो फर्स्ट रैंक इसका होगा, सेकंड रैंक इसका होगा, थर्ड रैंक इनका होगा, मैंने लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आपको सिलेक्शन करना चाहिए, लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सिलेक्शन करना चाहिए। तो वी हैव टू सेलेक्ट एनी टू सिक्योरिटीज आउट ऑफ थ्री सिक्योरिटीज, वी विल फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड द पेयर ऑफ द सिक्योरिटीज व्हिच हैव लोअर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट शुड बी सिलेक्टेड, दैट शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब देखिएगा यहां इसका मैंने लिख देता हूं यहां पे, इफ we have to select any two securities out of three securities then we should select, we should be selected, we should be selected those pair of security, those pair of security, those pair of securities which has lowest coefficient of correlation, lowest coefficient of correlation, lowest coefficient of correlation, which has lowest coefficient of correlation, which has lowest coefficient of correlation, ये आपको दिमाग में रखना है। Hence pair of security, pair of security A and C are selected having lowest coefficient, having lowest coefficient, clear है ना बेटा। तो जब भी आपको तीन पेयर ऑफ सिक्योरिटी में सिलेक्ट करनी है किसी दो को, तो हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बेसिस पे इस टाइप से लिखते हैं। क्या रीजन है कि भाई साहब इनके पास आपको डेविएशन कम होता है, इनके पास डेविएशन कम होता है, डेविएशन कम होता है इसलिए, क्लियर है। अब हम चलते हैं, देखिए आगे, अब हम फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए आप, सपोज कीजिए कि हम मान लो कि हमारे पास दो डाटा दिया हुआ है, एक्स और वाई, ये दो डाटा दिया हुआ है, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालनी है। जैसे मैंने कहा था जो पिछला डाटा था यहां था, मान लो एक दूसरा डाटा भी हम ले सकते हैं, यहां पे 4, यहां पे 7, 4-7 हो गया, फोर और 7, 13 यहां पे आ गया, तीन डाटा हमारे पास है। फिर अगर मान लिया जाए यहां पे 6, 9,
अब आपको 7 रख दीजिए, 6 9 सपोज कर ले इसका, हमारे पास दो डाटा, तीन डाटा लेनी है, 6 और 9 और यहां पे 3 हो गया, तो टोटल यहां पे कितना हो जाएगा, हमने ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, और यहां पे टोटल ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इसकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मुझे निकालनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है हमें ऐसे, आर एक्स वाई कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई। अब देखिएगा वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई क्या होता है, तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कोवेरियंस की फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी कहा था, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार होता है, और वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्स स्क्वायर कर देते हैं तो वेरियंस निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्स स्क्वायर करेंगे तो वेरियंस। अब देखिए यहां पे 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का एक्स स्क्वायर इंटू 1/n समेशन वाई माइनस वाई बार को एक्स स्क्वायर कर दीजिए तो आपका वेरियंस आ जाएगा। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और अच्छे से बनाया जाए और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये फॉर्मूला बनकर कितना आ जाएगा, तो कैसे आएगा वो तो डिस्कशन की बात नहीं है, ये फॉर्मूला बनकर आपके पास आ जाएगा आर एक्स वाई इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, इंटू है ये इंटू है, होल डिवाइडेड बाई एन रूट अंडर, आप देखिए समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स का एक्स स्क्वायर समेशन एक्स का होल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, फिर यहां पे इंटू करोगे समेशन वाई एक्स स्क्वायर माइनस समेशन वाई का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन करोगे, ये आपका फॉर्मूला बनकर आ जाएगा, ये है समेशन एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह अगर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपको सबसे पहले एक्स वाई का समेशन चाहिए, तो एक्स वाई की समेशन के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे एक्स वाई का एक कलम बनाएंगे, फिर एक्स यहां पे थोड़ी सी आपको ये वाला डिस्टर्ब कर सकता है, यहां पे पॉइंट रखिए, यहां पे इंटू का साइन है, इंटू का साइन मल्टीप्लाई का साइन, और ये टोटल में एन है, टोटल में एन है, टोटल में एन। ठीक है, अब आप देखिए हमें एक्स वाई चाहिए, उस एक्स वाई का समेशन, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 7 9 10 63 हो जाएगा, यहां पे 13 ये कितना 6 39 हो जाएगा। अब एक्स का एक्स यहां पे ये आ गया समेशन एक्स, तो यहां पे इतना आ जाएगा, इतना जाए एक्स एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम एक्स एक्स स्क्वायर का सम लेंगे,
169 हो जाता है। फिर वाई एक्स स्क्वायर का सम ले लेंगे, यहां पे 36 81 9 आ जाएगा। अब सबको हम ऐड करेंगे, तो यहां हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, ये 5 हो जाएगा, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये आपका बताइए, 9 9 9 प्लस 9 18 25, 2 प्लस 1 3 4 7 6, 7 और 6 13 हो जाएगा ये, और यहां पे 2 हो जाएगा, 2 35 हो जाएगा। अब यहां पे ये ऐड कीजिए, 7 ये 6 हो जाएगा, 8 11 12 हो जाएगा, 126। यहां पे 10 ये 6, 8 प्लस 11 126 हो जाएगा। तो इस तरह हमें सारी कैलकुलेशन हुआ, और यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना पुट करेंगे, देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, हम कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए जा रहे हैं, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। तो हमारे पास, मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिखता हूं, वहां पे छोटा हो गया था, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय एन, आपको रूट अंडर समेशन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, समेशन वाई एक्स स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब देखिए इसको कैसे, समेशन एक्स वाई, एक्स वाई हमारे पास ये है 126 आ गया है, तो यहां पे हम लिखेंगे 126 समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। अब समेशन एक्स एक्स वाई, एक्स यहां पे है, वाई यहां पे है, एक्स वाई, तो एक्स वाई जब है तो एक्स वाई कितना आ जाएगा यहां पे, देखिएगा यहां 24 और 18 है, तो हम कैसे करेंगे यहां पे 24 इंटू 18 होल डिवाइडेड बाय 3। अब आप देखिए यहां पे रूट अंडर में हमारे पास क्या होगा, देखिएगा समेशन एक्स एक्स स्क्वायर 235 है, तो यहां पे 235 लिखेंगे, 235 माइनस समेशन एक्स 24 का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, एन का मतलब 3, समेशन वाई एक्स स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर कितनी है हमारे पास, वाई एक्स स्क्वायर तो यहां पे है 126 है, तो 126 माइनस 18, 126 माइनस 18 का एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हम जो कैलकुलेट करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, जो आएगा वो माइनस वन और वन के बीच में आएगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस तरह हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछी गई है, आपके में भी बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है। तो आपका एग्जाम में पूछा गया है वो मैं बताऊंगा आप। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पर्सन वांट टू इन्वेस्ट इन टू सिक्योरिटीज, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज पढ़िए, अ पर्सन वांट टू इन्वेस्ट इन टू सिक्योरिटीज, आउट ऑफ दिस 3 सिक्योरिटीज व्हिच ऑफ दिस 2 सिक्योरिटीज आर सिलेक्टेड, ये सिक्योरिटीज क्या है,
ए सिक्योरिटी बी सिक्योरिटी सी, इस तीन सिक्योरिटीज में से किसी दो सिक्योरिटीज में सेलेक्ट करनी है, तो ये दो सिक्योरिटीज कौन सा होगा? तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी ए बी का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, ए सी का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे और बी सी का निकालेंगे और फिर हमें डिसीजन देना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस किस का निकालना पड़ेगा वो देखिए आप, हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसका, हम निकालेंगे आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, हम तीनों का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे जो ऑलरेडी उसका आंसर दिया हुआ है। तो ए बी का कितना आंसर दिया हुआ है 0.75, बी सी का कितना दिया हुआ है 0.22 और ये दिया हुआ है माइनस में होना चाहिए -0.26। अब जिसका सबसे कम होता है उसको सिलेक्शन करते हैं, तो कौन सी दो सिक्योरिटीज को सिलेक्शन करेंगे, तो सबसे कम सी ए का है तो उसको सिलेक्शन करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो तो हमने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो तो हमने ऑलरेडी बताई हुई है पहले जैसे बुक में, तो ठीक है इस तरह कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलता है। क्लियर है बेटा, अब मैं आपको चलता हूं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इस टाइप से हम निकालते हैं। अब मैं आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को और भी छोटा सा फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है उसको भी देखिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम देखते हैं आर एक्स वाई को हम अल्टरनेटिव तरीका, अल्टरनेटिव हम निकालना चाहते हैं, अल्टरनेटिव तरीका हम जानना चाह रहे हैं। आर एक्स वाई को मैंने कहा कोवेरियंस एक्स वाई, यहां पे वेरियंस ऑफ एक्स, ये होता है वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ एक्स का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर, वेरियंस ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स स्क्वायर, वेरियंस ऑफ वाई ये आपका होता है वेरियंस ऑफ एक्स, दिस इज द वेरियंस ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई। ठीक है सर, वेरियंस को वेरियंस का फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी बताई हुई है, वन अपॉन एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये वेरियंस ऑफ एक्स जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार का एक्स स्क्वायर, वेरियंस ऑफ वाई का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन वाई माइनस वाई बार का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं आपको लिखूं इफ वन सिक्योरिटी इज रिस्क फ्री या मार्केट अदर सिक्योरिटी इज पोर्टफोलियो। ठीक है, इफ एक्स इक्वल टू एम वाई इक्वल टू एस, ये है मार्केट और ये आपका है सिक्योरिटी, तो इसके बीच की रिलेशन को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। देखिए ये आपको बीटा में जब पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अब मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट, सिक्योरिटी एंड मार्केट, यहां पे लिखेंगे कोवेरियंस सिक्योरिटी एंड मार्केट। अब यहां पे क्या लिखेंगे बताइए आप,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का एक्स स्क्वायर। कोवेरियंस सिक्योरिटी एंड मार्केट दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, रूट हटेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, कोवेरियंस सिक्योरिटी एंड मार्केट दैट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिक्योरिटी एंड मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा जब मैं बीटा बताऊंगा, बीटा उस केस में हम इस रिलेशन को यूज मैं करूंगा बीटा, व्हेन आई विल टीच बीटा देन इन दैट केस आई विल यूज दिस इंफॉर्मेशन, मैं आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा। ठीक है, जब मैं बीटा बताऊंगा तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके लिखूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह हमने आज दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, एक तो कोवेरियंस क्या होता है, दूसरा हम आपको क्या बता रहे हैं कोवेरियंस क्या होता है, और दूसरा मैंने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस पे एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, आपके सीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया मई 2007 ओल्ड, द फॉलोइंग हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है ये, द हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ द रिटर्न ऑफ द टू सिक्योरिटीज आर ओवर Past 10 years are given below. Calculate the covariance. आपको covariance निकालनी है, correlation coefficient of the two securities. यहाँ पे return दिया हुआ है 10 साल का, फिर यहाँ पे return दिया हुआ है 10 साल। तो मैंने छोटे सी डाटा से निकाल कर बताया, वो इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डू यू दिस क्वेश्चन योर सर, क्वेश्चन नंबर 52 आपको अपने से करनी है, जैसे मैंने कहा था उसी तरह। ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे।